दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपनी ताकत को शायद बढ़ाना नहीं चाहते, या फिर उन्हें अपनी सुरक्षा की कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन देशों को शायद हमले का खतरा नहीं है, यह सोचते हैं कि इन पर कोई हमला करना नहीं चाहेगा। इनकी आर्मी बहुत ही छोटी और कमजोर है, जो कि अचानक आ जाने वाली आपदाओं और बहुत ही कम लोगों से निपटने के लिए बनाई गई है। ये देश ज्यादा बड़ी आर्मी नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें अगर किसी से भी हमले का खतरा है तो वो है टूरिस्ट का, क्योंकि इन खूबसूरत देशों में बहुत से टूरिस्ट आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यंसाई की एक और बेहतरीन एपिसोड में। और आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे ही 5 सबसे ज्यादा कमजोर देशों के बारे में बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। नंबर 5, मोनाको। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है मोनाको, जिसका टोटल एरिया 2020 स्क्वायर किलोमीटर है। यह 3 तरफ से फ्रांस और एक तरफ से मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है और काफी खूबसूरत देश है। यह अपने कैसीनो और फॉर्मूला 1 रेसेस की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इसका पड़ोसी देश काफी ताकतवर है, लेकिन इसकी ताकत काफी कम है। इसके पास केवल 255 सैनिक हैं, जिनका काम केवल रेस्क्यू करना और इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। नंबर 4, वैनुआतू। ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर की दूरी पर एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड नेशन है, जिसका नाम है द रिपब्लिक ऑफ वैनुआतू। यहाँ की आबादी केवल 2,50,000 है। यह काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके आसपास कोई ऐसा देश नहीं है जो इस पर हमला करे, इसीलिए इनके पास कोई खास बड़ी मिलिट्री फोर्स नहीं है। कुछ ही 100 सैनिकों के ऊपर यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, जो बेसिकली नेचुरल डिजास्टर में लोगों की मदद करते हैं। नंबर 3, टोंगा। अजीब से नाम वाला यह आइलैंड नेशन भी पैसिफिक ओशियन में है। इसका नाम है किंगडम ऑफ टोंगा। इसका टोटल सरफेस एरिया 750 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की आबादी 1,07,000 के करीब है। यहाँ की आर्मी थोड़ी सी मजबूत है। इनके पास 500 सैनिक हैं, जो नेवी, एयरफोर्स और लैंड आर्मी में डिवाइडेड है। इनकी नेवी के पास कुछ पेट्रोल बोट्स और एक पेट्रोल प्लेन भी है। नंबर 3, आइसलैंड। अगर आप सोचते हैं कि नाटो की सभी मेंबर्स की आर्मी बहुत ही ताकतवर है, तो आप गलत हैं। नाटो के कुछ मेंबर्स तो बहुत ही कमजोर हैं। उन्हीं में से एक है आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ के लोग भी बहुत अमीर हैं और बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन यहाँ कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है। आइसलैंड में केवल 130 लोग कोस्ट गार्ड में हैं, जो इसके समुद्री किनारे पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। नंबर 2, मॉरिशस। हिंद महासागर में अफ्रीकी महाद्वीप से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड नेशन है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। यहां की आबादी केवल 12 लाख है। इसके आसपास कोई भी देश नहीं है, केवल समुद्र है। ना ही इस देश को अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत है, क्योंकि इनके बॉर्डर्स पर इंसान नहीं बल्कि यह लोग रहते हैं। इसीलिए इनकी ना ही रिजर्व और ना ही एक्टिव मिलिट्री है। यह केवल 2500 पैरामिलिट्री ट्रूप्स पर डिपेंडेंट है। नंबर 1, एंडोरा। यह यूरोपियन देश स्पेन और फ्रांस के बीच पड़ता है और दुनिया के काफी छोटे देशों में से एक है। यह केवल 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ की आबादी 1,00,000 से ज्यादा है। यहाँ पर आर्मी है ही नहीं। यहाँ पर केवल वो सैनिक हैं जो राष्ट्रीय त्योहारों पर परफॉर्म करते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम यहाँ की पुलिस करती है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के 5 बेहद ही कमजोर देश, लेकिन यह देश बेहद ही खूबसूरत हैं और घूमने के लिए भी काफी अच्छे हैं। आप इनमें से किस देश घूमने जाना चाहते हैं और यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।